आपका? मोहम्मद परवेज। परवेज, ये देश का झंडा हाथ में ले रखा है आपने जी, क्या वजह है आज? भाई आज देश आजाद हुआ था, संविधान लागू हुआ था आज, तो उसकी वजह से भाई झंडा, खुशी है हमें भी भाई, त्योहार भी है, खुशी भी है त्योहार की, इसलिए झंडा लगा रखा है हाथ में, है झंडा। मोहम्मद फिरोज है जी। अच्छा फिरोज जी, आज 26 जनवरी है, पूरा देश हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मना रहा है, क्योंकि आज ही के दिन देश में संविधान लागू हुआ जिसके तहत पूरा देश चल रहा है। निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में इस संविधान को लागू किया गया। जी जी। आप मजदूरी करते हैं? जी मजदूरी करें जी, रेडी लगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे आज? एकता का है जी, सब मामला एकता है जी, हमारे में परिवार मतलब हिंदू मुसलमान सब मिलजुल कर रहे हैं, यही है बस सारा मामला, और क्या भाई, हिंदू मुस्लिम एक साथ मिल के रहे देश में अमन चैन का एक पैगाम दे। सुकून हाँ जी बिल्कुल जी जी। कितना कमा लेते हैं आप? बस ये 300-400 बस, यह बस दाल रोटी चल रही है बस। इस टाइम तो महंगाई का दौर है बड़े भाई, इसमें कुछ आ ही नहीं रहा, बताओ ऐसी महंगाई कहाँ से। आज के दिन क्या, आज के दिन संविधान लागू किया ये पता है आपको? नहीं, आज देश आजाद हुआ था। देश आजाद हुआ जी, जी। आज के दिन नहीं, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, 26 जनवरी को देश का संविधान लिखा गया जी, जी, जी। देश की अमन भाईचारे और एकता के लिए आप पैगाम दे रहे हैं आज? जी जी एकता जी, हिंदू मुसलमान सभी भाई अपना मिलजुल के रहो। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करते हैं, ये कहते हैं कि हम तो यही पैगाम देंगे कि देश में हिंदू मुस्लिम की एकता की मिसाल बनी रहे, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा बना रहे और देश ऐसे ही तरक्की करता रहे, देश ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से पहुंचा सकते हैं और इस पैगाम को, इस हिंदू मुस्लिम के एक भाईचारे को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, भर भर के पहुँचाएँ। बस फ्रूट बेचते हैं जी, फ्रूट बेचते हैं। अच्छा आज 26 जनवरी है तो ये झंडे जो देश के लगाए हैं, आज ही देश के लिए लगाए हैं ना? हाँ जी हाँ, एक तो संदेश जाता है जी, आज आगे दिन संविधान लागू हुआ था और जो हम देश के हर्षोल्लास से 26 जनवरी मना रहे हैं। 26 जनवरी मना रहे हैं जी जी जी, तो देश की एकता की मिसाल पेश कर रहे हैं। एकता की मिसाल कर रहे हैं, हमारा देश है एकता की मिसाल पेश करेंगे मरते दम तक। मरते दम तक, क्या नाम है आपका? मोहम्मद महबूब। मोहम्मद महबूब, मुस्लिम हैं आप? हाँ जी। अच्छा गर्व महसूस होता है? बिल्कुल होता है जी, अपने देश में जब हंसरे खेले अपना काम धंधा करें, हमें गर्व होता है अपने देश पर। जो हंसते हंसते चले गए, जो हंसते हंसते कुर्बान हो गए, जो शहीद हो गए देश के लिए, उनके लिए क्या क्या हम अमल करते हैं, नमन करते हैं, उनको सलाम करते हैं। सलाम करते हैं, ठीक है जी। चलिए कांधला में इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ पर रेडी पटरी वाले थे, ये देश का झंडा, देश का गौरव और देश की एकता का प्रतीक ये झंडा लगाए हुए हैं और यहाँ पर उस रेडी पर भी देश का झंडा लगा हुआ है। देश की आन बान और शान, देश की पहचान ये झंडा, ये तिरंगा, ये एकता का प्रतीक है, ये दिखाता है कि अभी भी पूरे देश में एकता की मिसाल है। 26 जनवरी है, पूरा भारत देश हर्षोल्लास के साथ 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज ही के दिन निर्माता भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान लिखा गया, लागू किया गया। क्या नाम है बेटे आपका? रियान। रियान, अच्छा आपकी है रेडी जी? अच्छा आपको पता है 26 जनवरी है आज? हाँ जी मनाया। हाँ जी। अच्छा 26 जनवरी के बारे में पता है कुछ? संविधान लागू किया जी। पढ़ते हैं आप? नहीं जी, नहीं पढ़े थे पहले। पहले पढ़े थे जी। चलिए सेब का रेट क्या है? 100 रुपये। 100 रुपये। चलिए कांधला में मौजूद हैं, यूपी का चुनावी माहौल चल रहा था, इसी बीच हमें नज़र आया कि 26 जनवरी है आज और 26 जनवरी के इस त्यौहार पर ये लोग देश का झंडा लगा करके देश के जो वीर जवान रहे, जो सपूत रहे, जिन्होंने कुर्बानी दी, उनके लिए नमन करते हैं और उनको याद किया जाता है।